हुजूर ने फरमाया ला युमनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा ली अखीहि मा युहिब्बु ली नफ्सिही, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक के वो अपने भाई के लिए भी वही बात पसंद न करे जो अपने लिए पसंद की। अगर तुम इस्लाम ले आए हो, ईमान लाए हो, नेक अमल कर लिए, भाई अपने भाइयों तक पहुंचाओ जिनसे तुम्हें मोहब्बत है, जिनके साथ खुलूस है, जिनके साथ इखलास है। ये दूसरी बुनियाद है कि ईमान और अमल साले से तवासी बिल हक खुद ब खुद बरामद होगा। और एक तीसरी बात है हमीयत, गैरत। मैं यहां आपको एक हदीस सुना रहा हूं। एक तवील अरसे तक अपने जबान है तालिब इल्मी में मैं ये हदीस खुतबा जुमा में सुनता रहा। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो खुतबात जुमा मुरतब की उनमें यह हदीस है। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं औहल्लाहु अज़्ज़ा वजल इला जिब्राईल अलैहि सलातु वस्सलाम अनिक्लिब मदीनत कज़ा व कज़ा बे अहलिहा। अल्लाह ताला ने वही के जरिए से हुक्म दिया हजरत जिब्राईल को कि फला फला बस्तियों को उलट दो, तलपट कर दो, जैसे सदूम और आमूरा की बस्तियों पर अजाब आया था वैसा अजाब इन बस्तियों के ऊपर ले आओ। काला फकाला, हुजूर फरमाते हैं कि इस पर हजरत जिब्राईल ने अर्ज किया या रब इन फीहा अब्दा का फुलान लम यासे का तरफत आयन, अल्लाह मैं उस बस्ती को उलट दूं उसमें तो तेरा फला बंदा भी है जिसने कभी पलक झपकने जितनी देर भी किसी गुनाह में बसर नहीं की। अब आप किसी आदमी की नेकी का तसव्वुर कीजिए, ये गवाही देने वाले कोई किराए के गवाह नहीं है जो अदालतों में फिरते रहते हैं जो चाहो गवाही दिलवा लो इतने पैसे चाहिए। जिब्राईल है और किसकी जनाब में कह रहे हैं जहां अबू जहल भी झूठ नहीं बोल सकेगा या रब बिन नफीहा अब्दक फलान लम यासक तरफत आयन, उलट दूं उस बस्ती को। अब जवाब सुनिए काला फकाला, हुजूर फरमाते हैं इस पर अल्लाह ने फरमाया इक्लिबा अलैहे व अलैहिम, उल्टो इस बस्ती को पहले उस बदबख्त पर और फिर दूसरों पर। फइन वजहहु लम यतबअर फी साअतन कत, इसलिए कि मेरी गैरत की वजह से कभी उसके खून ने जोश नहीं मारा, उसका चेहरे के ऊपर खून नहीं आया। आपको कोई मां की गाली दे अगर तो आप में जान है तो वो जाने देंगे उसको, और अगर जान नहीं है आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते तब भी गुस्सा आएगा, कांपेंगे आप गुस्से की वजह से, चेहरा आपका सुर्ख हो जाएगा, ये तो कम से कम होगा ना। लेकिन ये अल्लाह का बंदा अपनी नेकी में लगा रहा, उसने देखा नहीं माहौल में क्या हो रहा है, माहौल में अल्लाह की शरीयत की धज्जियां बखेरी जा रही है, माहौल में अल्लाह के अहकाम पांव तले रोंदे जा रहे हैं, ये लगा रहा तू फकत अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, ये ज्यादा बड़ा मुजरिम है, लिहाजा बस्ती को पहले इस पर पलटो और फिर दूसरों पर।